वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए। तो आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट केक, जिसके लिए हमने लिए हैं बिस्किट्स। आप अपनी चॉइस से बिस्किट्स ले सकते हैं। चलिए तो अब हम इसे ग्राइंड करते हैं। चलिए, हमने बिस्किट्स को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें शुगर पाउडर और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। शुगर पाउडर हमने लिया है 1/2 कप, बेकिंग पाउडर लिया है हमने 1/2 चम्मच। हमने बड़े कप से 1/2 कप दूध लिया है। अब हम इसे थोड़ा करके ऐड करेंगे और अच्छे से बैटर रेडी कर देंगे। ये देखिए, हमारा बैटर रेडी हो चुका है। देखिए, हमने मोल में बटर पेपर लगाया है और ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम बैटर इसमें स्लोली स्लोली ऐड करते हैं। इसमें एयर बबल्स नहीं आने चाहिए, इसके लिए हम इसे टैप करते हैं। चलिए, अब हमने बड़ा बर्तन लिया है। अब हम इसमें स्टैंड रखते हैं। चलिए, अब हम इसमें मोल्ड रखते हैं। चलिए, इसे 25 से 30 मिनट के लिए हम बेक होने छोड़ देते हैं और लो फ्लेम पर रखते हैं। 20 मिनट हो गए हैं, अभी 10 मिनट बाकी है केक को रेडी होने के लिए, जब तक हम चॉकलेट गनाश रेडी करते हैं। वाइट चॉकलेट गनाश रेडी करते हैं। 5 चम्मच चीनी, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 कप मिल्क। इसे अच्छे से मिक्स करिए। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। चलिए, हमारा व्हाइट गनाश रेडी हो गया है। हम इसे फ्लेम ऑफ कर देंगे और बटर ऐड करेंगे। देखिए, हमारा गनाश रेडी हो चुका है। अब हम इसे ठंडा करते हैं। हमने चॉकलेट गनाश रेडी होने के लिए रखा है। ये सेम प्रोसेस है, मिल्क पाउडर की जगह कोको पाउडर यूज़ करिए। चलिए, हमारा चॉकलेट गनाश रेडी हो चुका है। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा केक रेडी हो चुका है या नहीं। हमारा दूध पे क्रेन बाहर आया है, तो हमारा केक रेडी हो चुका है। चलिए, अब हम इसे बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चलिए, हम बटर पेपर रिमूव करते हैं। अब हमारा केक रेडी हो चुका है। अब हम चॉकलेट गनाश से गार्निश करते हैं। चलिए, हमारा चॉकलेट केक रेडी हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।